भारत ने पकड़ा चीन का एक और खतरनाक चाल। जंगल के बीचों बीच ये क्या बना रहा है चीन? दोस्तों, भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती है। डोकलाम विवाद के कारण इन देशों के संबंध और भी कड़वे हो गए हैं। भारत CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता चुका है। इतना ही नहीं, चीन स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर ही चारों ओर से घेरने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो फिर भी भारत को आमने सामने की युद्ध के लिए कभी नहीं ललकारता। इसकी वजह है भारतीय सेना का युद्ध लड़ने का अनुभव। अब इतना तो हम सभी जानते हैं कि युद्ध में अनुभव बहुत जरूरी होता है, लेकिन अनुभवी सैनिकों के पास घातक से घातक हथियार हो तो दुश्मनों का उनको हराना नामुमकिन सा हो जाता है। और ऐसा ही हमारे देश के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। वो हमारे सैनिकों के लिए घातक से घातक हथियारों को बनाकर चीन और पाकिस्तान को ये दिखा रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारे एक भी इंच की ज़मीन पर नज़र डाली तो हम उन्हें नक्शे से मिटाने की काबिलियत और ताकत दोनों रखते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि चीन कभी भी भारत से आमने सामने रहकर युद्ध नहीं करना चाहता। वो हमेशा गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहता है, और ऐसा ही चाल चीन का फिर से एक बार सामने आया है। अब चीन हिंद महासागर में ऐसी हरकत करने जा रहा है जिससे भविष्य में भारत को काफ़ी खतरा हो सकता है। आखिर चीन ऐसा क्या कर रहा है जो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हमारे कई पड़ोसी देश आज चीन के कर्ज में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जबकि हमारे भारत ने भी इन्हें बीते सालों कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये उस वक्त समझने को जरा सा भी राजी नहीं थे, जिनको ये आज भुगत भी रहे हैं। इनकी गलती के कारण भारत भी आज खतरे में आ चुका है। दरअसल श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर अपने शिकंजे में कस चुके चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह के बाद अब हिंद महासागर के नज़दीक मौजूद जंगलों के अंदर महाशक्तिशाली रडार को स्थापित करने का फैसला चीन ने ले लिया है। चीन के इस खतरनाक चाल से न केवल भारत बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस रडार की मदद से हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की नौसैनिक गतिविधियों पर आसानी से नज़र रख सकता है। चीन इसके जरिए भारत के कुडमकुलम, कलपक्कम परमाणु बिजली संयंत्र, अंडमान निकोबार और अमेरिका तथा ब्रिटेन के संयुक्त नौसैनिक अड्डे डिगागो गार्सिया की आसानी से जासूसी कर सकता है, जो तीनों ही देशों के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। ब्रिटिश अखबार एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन श्रीलंका में एक नया जंगल रडार लगाना चाह रहा है, जिससे वो हिंद महासागर में भारत और अमेरिका दोनों के सैन्य अड्डों की जासूसी कर सकेगा, जबकि श्रीलंका के खुफिया सूत्रों ने भी इस परियोजना का खुलासा किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर अब उसका रणनीतिक फायदा उठाना चाह रहा है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस श्रीलंका में रिमोट सेटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन बनाना चाहती है। यह रडार श्रीलंका के दक्षिण में स्थित रुहाना के घने जंगलों में लगाया जाना है, जो द्रोंदा खाड़ी के पास स्थित है। आपको बता दें कि श्रीलंका का यह इलाका रणनीतिक रूप से हमारे लिए बेहद अहम है, क्योंकि उसकी मदद से चीन हिंद महासागर में भारत और पश्चिमी देशों के जंगी जहाज़ों की निगरानी और जासूसी कर सकेगा। यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन और अमेरिका के डिगागो गार्सिया नौसैनिक अड्डे के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है। इसके महाशक्तिशाली रडार की मदद से चीन भारत के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन, ओडिशा के चांदीपुर में मिसाइल परीक्षण जहां से हम न्यूक्लियर मिसाइलों का परीक्षण करते हैं, और कई अन्य सैन्य अड्डों की जासूसी कर सकता है। इसके अलावा चीन इस रडार की मदद से आसानी से अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट का संचालन भी कर सकेगा और उनकी निगरानी भी कर सकेगा। आपको पता होगा कि चीन ने अचानक से अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट को भेजने की गति बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, और अब उसे एक ग्राउंड स्टेशन की ज़रूरत है। चीन ने साल 2015 में 19 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जिसे बढ़ाकर उसने अब 64 कर दिया है। इसके जरिए उसने 164 सैटेलाइट भेजे हैं, जबकि चीन इस साल भी 200 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना चुका है। डिफॉल्ट यानी गलती कर चुका श्रीलंका इस समय चीन के BRI के कर्ज के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है, जहां से निकलने की उम्मीद श्रीलंका के लिए काफ़ी कम है। चीन ने पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा किया, और अब उसकी नज़र रडार स्टेशन को बनाने पर है, श्रीलंका के जंगल पर है,
दरअसल चीन ने हाल ही में श्रीलंका को 2 साल तक कर्ज नहीं लौटाने के लिए ऑफर दिया है। इसके बदले ही चीन ने श्रीलंका के सामने शर्त रख दी है कि उसे रडार स्टेशन बनाने की अनुमति दी जाए। श्रीलंका के विशेषज्ञों का कहना है कि IMF से डील के दौरान चीन ने कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के बदले इस रडार स्टेशन की मांग रखी है। चीन ने इसी तरह का रडार साल 2012 में अर्जेंटीना में भी बनाया था। दोस्तों, श्रीलंका इससे पहले चीन के जासूसी जहाज को अपने यहाँ रुकने की अनुमति भी दे चुका है, जिसका भारत और अमेरिका ने कड़ा विरोध किया था। भारत के विश्लेषकों का कहना है कि श्रीलंका की सरकार गुट निरपेक्ष होने का दावा करती है, लेकिन चीन की इस योजना से उसके दावे पर गंभीर सवाल उठने लगा है। चीन जिस ड्रोंडा की खाड़ी में यह रडार लगाना चाहता है, वह एक समय में श्रीलंका की राजधानी भी रह चुकी है। चीन अगर यह रडार स्टेशन लगाने में कामयाब हो जाता है तो भारत के कई मिलिट्री बेस जैसे मिसाइल लॉन्चर साइट्स, रॉकेट लॉन्चर साइट्स और कई तरह के नौसैनिक अड्डे सीधे चीन के रडार में होंगे और चीन इनसे जासूसी बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन के इस चाल का जवाब भारत को कैसे देना है ये अच्छे से पता है। भारत भी चीन को सीमा से लेकर समुद्र तक घेरने की प्लान बना चुका है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है चीन के इस चाल का भारत को कैसे जवाब देना चाहिए? अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो हमें ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप